गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक अध्याय दो का ही गुरु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले अपन लघु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन कर चुके थे। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है कि बीजांड के अंदर जो जायान होता है उस जायान में बीजांड पाया जाता है, उस बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया, इसकी गुरु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया ही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। गुरु बीजाणुओं का निर्माण जो हमारी बीजांड का होता है उसकी जो हाइपोडर्मिस होती है, उस हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी, स्पष्ट केंद्रित युक्त और सघन जीवद्रव्य वाली होती है, उन कोशिकाओं को हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। ये प्रपशु कोशिकाएं जो होती है उनमें विभाजन होता है, कौन सा? परिणत विभाजन पाया जाता है। परिणत विभाजन द्वारा यह कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। जो प्रपशु कोशिका थी वह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, एक कोशिका हाइपोडर्मिस की तरफ बनती है, दूसरी उसके अंदर की तरफ बनती है। जो बाहर की तरफ कोशिका बनती है उस कोशिका को हम प्राथमिक भित्ति कोशिका, जबकि अंदर की तरफ जो कोशिका बनती है उसे प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका कहते हैं। अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका बारंबार विभाजित होकर या तो भित्तियों का निर्माण करेगी, जो भी लेयर होती है हाइपोडर्मिस एंडोथीसियम वगैरह, अथवा यह अविभाजित रहकर लेयर का निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणु जन जो कोशिका होती है उसमें कोई विभाजन नहीं होता है, वह बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। ये किसका काम करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करेगी तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसके अंदर चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें गुरु बीजाणु कहते हैं। यानी चार अगुणित कोशिकाएं बनती है, प्रत्येक अगुणित कोशिका गुरु बीजाणु का कार्य करती है। ये चारों कोशिकाएं जो होती हैं जो गुरु बीजाणु का कार्य कर रही है वो एक के ऊपर एक, यानी एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं निभाग से बीजाणु द्वार की ओर। ये भाग निभाग कहलाता है जिसे अध्यावरणों का निर्माण होता है, ये बीजाणु द्वार वाला भाग। तो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं ये चारों चतुष्क जो होते हैं गुरु बीजाणु, चतुष्क के रूप में, किसके रूप में? चतुष्क के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस चतुष्क को क्योंकि रेखिक क्रम होने के कारण इसे रेखिक चतुष्क कहा जाता है, रेखिक चतुष्क। इस रेखिक चतुष्क का जो निभाग वाला भाग है वहां पर जो गुरु बीजाणु पाया जाता है वह गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, सक्रिय गुरु बीजाणु कहलाता है। जबकि अन्य तीन गुरु बीजाणु जो ये होते हैं, तीन ये गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, हासित हो जाते हैं, और हासित होकर इस सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह जो कहे सक्रिय गुरु बीजाणु के कारण ये तीनों निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहकर सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये सक्रिय गुरु बीजाणु अब वृद्धि करता है, उसे पोषण मिल गया। कौन से भाग वाला? निभाग वाला गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है और किसका काम करेगा? मादा युग्मक उद्भिद का। तो पोषण प्राप्त करके परिवर्तन वृद्धि एवं परिवर्धन के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है, और ये भ्रूण कोष ही युक्त गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की। अब मादा
युग्मकोद्भिदं ब्रह्मकोश के बारे में पढ़ते अभी हमने गुरुबीजानुकरण के बारे में पढ़ा था कि जिसमें एक गुरुबीजानु सक्रिय और तीन निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय निष्क्रिय से पोषण प्राप्त करके मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। जो सक्रिय गुरुबीजानु होता है वो सक्रिय गुरुबीजानु मादा युग्मकोद्भिद निर्माण की प्रथम कोशिका का कार्य करता है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु को भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहा जाता है। अब भ्रूणकोश मात्र कोशिका या सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांडकाय से, जो बीजांडकाय होता है उससे पोषण प्राप्त करके, क्या करके, पोषण प्राप्त करके अपने आकार में वृद्धि कर लेता है तथा अधिकांश बीजांडकाय के भाग को घेर लेता है। इस कोशिका के अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। ये छोटी छोटी सभी रिक्तिकाएं संयुक्त होकर बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। इन बड़ी रिक्तिकाओं के निर्माण के बाद जो गुरु बीजाणु होता है, मादा युग्मकोद्भिद होता है, वह उसका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक पर विभाजन होता है वो केंद्रकीय सूत्र विभाजन द्वारा होता है। तीन बार विभाजित होता है केंद्रक, जिसके फलस्वरूप आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है या आठ केंद्रकों का निर्माण होता है। इन केंद्रकों के चारों जब कोशिका भित्ति बन जाएगी तो आठ कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, पहला विभाजन जब केंद्रक का होता है तो दो केंद्रकों का निर्माण होता है। ये दोनों केंद्रक बड़ी रिक्तिका बनने के साथ, जैसे जैसे रिक्तिका संयुक्त होंगी केंद्रक का भी विभाजन उसी समय होता है। दो केंद्रक बनते हैं, ये दोनों केंद्रक रिक्तिका संयुक्त होकर जब बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं, तो दोनों केंद्रक बीजांडकाय के दोनों सिरों की ओर चले जाता है। एक केंद्रक निभाग वाले भाग की ओर और दूसरा बीजांड द्वार वाले छोर की ओर चला जाता है। अब इन केंद्रकों में, ये प्रथम विभाजन हो गया, अब इन केंद्रकों में दोनों तरफ द्वितीय विभाजन प्रारंभ होता है। ये विभाजित होकर दो केंद्रकों में बढ़ता है, बीजांड द्वार का भी विभाजित होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। पुनः तीसरे विभाजन में दोनों केंद्रक दोनों ओर के विभाजित होकर चार चार केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तीन विभाजनों द्वारा, पहला दूसरा और तीसरा, तीन विभाजनों द्वारा आठ केंद्रकों का निर्माण होता है। इनके चारों ओर जीव द्रव्य और कोशिका भित्ति बन जाने से आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब निभाग वाले सिरे की ओर से और बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर से एक एक केंद्रक मध्य भाग की ओर आ जाते हैं। इस प्रकार मध्य भाग में दो केंद्रक तथा निभाग वाले छोर और बीजांड वाले छोर पर तीन तीन केंद्रक रह जाते हैं। मध्य वाले भाग के दोनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति बनने से एक द्वितीयक कोशिका का निर्माण होता है, जिसके अंदर दोनों केंद्रक ध्रुवीय केंद्रकों का कार्य करते हैं। ये दोनों केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार निभाग वाले छोर की ओर, कौन सा भाग, निभाग वाला जो छोर होता है उसकी ओर उपस्थित तीनों केंद्रक भी भित्ति निर्माण द्वारा तीन कोशिकाओं के समूह का निर्माण करते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है इनको, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहते हैं। इसी प्रकार बीजांड द्वार जो छोर होता है उस छोर की कोशिकाओं के चारों ओर भी भित्ति निर्माण से तीन कोशिकाओं का समुच्च तैयार होता है। इसको अंड समुच्च या अंड उपकरण कहते हैं। इसमें जो बड़ी कोशिका होती है वह बड़ी कोशिका अंड कोशिका का कार्य करती है, इसे हम अंड कोशिका कहते हैं। जबकि दोनों जो पार्श्व कोशिकाएं हैं उसकी सहायक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं का कार्य करती हैं। इस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद या सक्रिय गुरु बीजाणु द्वारा
भ्रूण कोष का निर्माण होता है। तो ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोष कहलाती है। इस प्रकार भ्रूण कोष का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को एक बीजांडित पॉलीगेमम कहते हैं। इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? एक बीजांडित पॉलीगेमम कहते हैं। इस प्रकार परिवर्तित भ्रूण कोष या माता युग्मकोद्भिद में सात कोशिकाएं, देखो तीन तो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, तीन अंड समुच्च वाली कोशिकाएं, छह और एक द्वितीयक कोशिका होती है। इस प्रकार सात कोशिकाएं तथा आठ केंद्रक केंद्रीय भ्रूण कोष होता है। तीन केंद्रक ये रहे, तीन ये रहे, छह और द्वितीयक कोशिका होती है, उसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। तो तीन और तीन छह और दो आठ। तो इस प्रकार सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय, सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय भ्रूण कोष का या मादा युग्मकोद का निर्माण होता है, जिसमें से जो द्वितीय कोशिका होती है वो द्विकेंद्रीय होती है, जबकि शेष छह कोशिकाएं एक केंद्रीय होती है। यानी द्वितीय कोशिका जो होती है वो द्विकेंद्रीय होती है, जबकि छह कोशिकाएं जो दोनों सिरे पर पाई जाती है वे एक केंद्रीय होती है। इस प्रकार मादा युग्मकोद या भ्रूण कोष का परिवर्तन एक बीजांडित पॉलीगेमम कहलाता है। इसी के साथ अध्याय दो आज हमारा समाप्त होता है। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आई है वो आप दोबारा बोल सकते हैं, दोबारा आपको पढ़ा दिया जाएगा। जहां तक आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा इस कोरोना महामारी के समय, आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।